बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। 2 बजे का टाइम है, सख्त धूप है, फिर भी लोग बैठे हुए हैं और बारबेक्यू भी इंजॉय किया है। बात तो वही है, सब एक साथ मिल के उनको सपोर्ट करेंगे, इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, तो बात बनेगी। मैं भी इसीलिए, मेरा बेसिकली जैसे कहा क्वेटा से ताल्लुक़ है, लेकिन 22 साल से कैनेडा में हूँ और हम अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, डोनेशन में भी उनकी यूनिवर्सिटी को, शौकत खानम को और ख़ुसूसन PTI को। मेरे तो घर की मेंबर PTI के लिए दिन रात काम करती हैं, जमीला पानेज़ाई। यही है कि जी बस उनको चोरों से जो है उनसे निकलवाना है, हर हाल में निकलवाना है, खड़े रहना है। हम उनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशली भी और फिज़िकली भी। हमें अगर एक हॉल दें तो हम खुद आएंगे पाकिस्तान उनके लिए, और उनको इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए और कोई तरीका, और कोई, मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आती सिवाय इमरान खान को। मुल्क तबाह हो रहा है, चोर वापस आ गए हैं। उनको देखिए, अदालतें हमारे आर्मी देख लें, जो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं सो कॉल, तो इमरान खान तो इस वक्त अकेला है, हमारा ही उसके साथ है, आवाम ही उसके साथ है, और ये आवाम ही उसको इंशाल्लाह लाएगी। हमारा तो इस पर, मेरा तो इस पर ईमान है जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सखावत खान है और मैं पख्तून कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ, टाउन क्लिफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज ये बारबेक्यू इवेंट है हमारे यहाँ पर, जो लोगों का जुनून है, जो इस्लाम के, जो पाकिस्तान के लिए निकले और जो इमरान खान के लिए निकले हैं, और लोगों को ना गर्मी की परवाह है, ना मौसम की परवाह है, और लोग जो है ना, बच्चे, बूढ़े, जवान और हमारी जो है ना बहनें, सब जो है ना वो इमरान खान के सपोर्ट में हमारे लिए निकली हैं। और माल्टन मिसिसागा में आज हम लोगों ने ये बारबेक्यू इवेंट मुनक्किद किया है, तो लोगों का जोश और खरोश देखने वाला है। और मैं उन सब का बहुत मशहूर हूँ जो आज हमारे लिए वॉलंटियर कर रहे हैं और जो खुल के और दिल से जो है ना हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए निकले हैं। जज़ाकअल्लाह। शुक्रिया टेक TV। आप लोग आए यहाँ पे, आप कवरेज कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि जो इंसाफ ईद मेला है उसमें काफ़ी बड़े लोगों ने, फैमिलीज़ ने, बच्चों ने यहाँ पे आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा ज़फ़र इकबाल साहब का, जो बाकी हमारे वॉलंटियर्स हैं ख़ास तौर पे, सुबह से लगे हुए हैं। बहुत गर्मी थी सेटिंग में, कुर्सियां सेट करने में, बारबेक्यू में, और जब बारबेक्यू की बात करूंगा तो जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जो हमारी कम्यूनिटी से और पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत है, उन्होंने काफ़ी हमें स्पॉन्सर किया, जूस स्पॉन्सर किया। और आज ये बच्चे, कोविड के बाद ये एक बड़ा इवेंट हो रहा है, लग रहा है कि इंसाफ ईद मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे, बारबेक्यू भी इंजॉय कर रहे हैं, जूसेस भी इंजॉय कर रहे हैं, फेस पेंटिंग भी हुई, मेहंदी भी लगी, और इमरान खान के साथ इनकी सपोर्ट भी, इन्होंने सॉलिडेरिटी भी शो की, एक वार्म वेलकम किया हमने हमारे MNA शानदारा गुलजार को भी। तो काफ़ी लोग आए, इंजॉय कर रहे हैं और ये पार्टी इंशाल्लाह चलती रहेगी शाम तक, तो सब बहुत मोटिवेटेड हैं और इंशाल्लाह ये शाम तक चलता रहेगा। इसके अलावा जो हमने आज देखा है कि ना कोई बलोची है, ना सिंधी है, ना पठान है, सब एक हो के पाकिस्तान की खातिर, और सबके लबों पे एक ही आवाज़ है कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और अपने मुल्क, अपने हक और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ के जो वोटिंग राइट्स हैं उन सब एक ज़ुबान है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सबका यही मुतालबा है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, अपने कप्तान का साथ देंगे। मेरा नाम अब्बास मायार है, मैं आज PTI के बारबेक्यू पार्टी में आया हूँ। ये सारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, खान साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और इंशाल्लाह इमरान खान आखिरी उम्मीद है इस मुल्क के लिए, और हम हर हद तक फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे उसको, और इंशाल्लाह वोट भी देंगे। हर तरह की सपोर्ट हमारे इमरान खान के लिए है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहाब शाह है और मैं कनाडा में मिसिसागा से बिलोंग करता हूं, और यहां पे जो आज PTI का प्रोग्राम इवेंट चल रहा है, यहां पे लंदन, कैम्ब्रिज, मिसिसागा, ब्रैम्पटन से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और हम सबके शुक्रगुजार हैं, और हम यहां पे वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और यहां पे बहुत मज़ा आ रहा है, यहां पे वार्म वेलकम हो रही है,
इंटरेस्ट पे, और जितने भी लोग हैं हम सब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पे आए हैं, और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सईद खान, सवात से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ कनाडा में 20 साल से रह रहा हूँ। इस वक्त पीटीआई का एक बारबेक्यू इवेंट हो रहा है, माशाल्लाह लोगों का जोश जज्बे देख के बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान के लिए ओवरसीज़ खासकर बड़ी कुर्बानियाँ देने से गुरेज नहीं करेंगे। सब लोगों माशाल्लाह बहुत जज्बा है, बच्चे बड़े ख़वातीन बहन भाई सब लोग आए हुए हैं। हमारा एक ही पैगाम है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज द वेरी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, और इंशाल्लाह वो दोबारा मुंतखब होकर आ जाएगा। और यही इवेंट हम बहुत सक्सेसफुल रहा, और हम एक बार कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। रहमान रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मनान है, और आज जो संडे को माल्टन में मिसिसागा में एक बहुत शानदार पाकिस्तानियों का एक कप्तान का आज़ादी मेला बना हुआ है। इमरान खान साहब, आपके लिए कनाडा से एक मैसेज है, आप अकेले नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी जो कनाडा में है या ओवरसीज़ है आपके साथ खड़े हुए हैं। हमें जो है जो ग़ुलामी की ज़िंदगी है, हमें खुद ही चाहिए, हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी बिल्कुल ना मंजूर। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये बिल्कुल ना मंजूर। पूरी कौम, आप मुस्लिम उम्मा का आप लीडर हैं, आप डट के रहे जैसे आप में खुद ही है, और हम पूरी मुसलमान आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। कनाडा के पाकिस्तानी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हर तरफ से हम आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। इमरान खान जिंदाबाद जी। अस्सलाम वालेकुम, आपको तो मैं अली डोगर हूँ, और इस वक्त कनाडा में माल्टन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है यकजहती के लिए। जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से बहुत गंभीर सिचुएशन की तरफ जा रहा है। हम फाइनेंशियली डेट ट्रैप के अंदर हैं, हमें उससे बाहर आना है। नई आने वाली जो हुकूमत है उनके पास डिसीजन पावर नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, तो एक डेड लॉक है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए, जो भी विन करके आए उसको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है। मैं ज़ाती तौर पे पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंशाल्लाह इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को इन हालात से बाहर निकाल सकता है। उसका माजी बेदाग है, उसको चैलेंजेस होंगे इंटरनेशनल कुव्वतों के साथ बात करने में, क्योंकि उनका बयानिया कुछ और है। दे वांट टू इंप्लीमेंट समथिंग एल्स जो कि इमरान खान करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का बयानिया इस वक्त पूरी दुनिया में प्रवेल कर रहा है। एक आवाज़ लगाते हैं लोग कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की, आज भी देखो हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग इस पार्क में इकट्ठे हो गए हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को फ़ौरन इलेक्शन की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। आज का इवेंट कैसा था? आज का इवेंट बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा टर्न आउट है। अभी भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेरा ख्याल इसमें आएंगे भी और जाएंगे भी, क्योंकि ये ऐसे है कि आप वॉक इन है, जब भी आएँ आप खाएँ और चले जाएँ। ये बहुत देर तक प्रोग्राम चलेगा, अभी शाम तक, सूरज की ग़ुरूब होने तक इंशाल्लाह। तो इससे ग्रेट इवेंट जिसने भी इसको अरेंज किया है, ख़ासतौर पर डॉक्टर तारक हैं और खान साहब हैं हमारे दोस्त, वो हैं इसमें, तो इससे ग्रेट एफर्ट। और वैसे भी गर्मियों की आमद आमद है, इसमें आउटडोर पार्टीज़ होनी चाहिए, तो इसका नाम पीटीआई के हवाले से दे दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिस इज़ अ ग्रेट एफर्ट। चलो, मेरा नाम जमीला पनीजई है, कोयटा बलोचिस्तान ज़ियारत ज़िला ज़ियारत से मेरा ताल्लुक़ है, और यहाँ पे मैं टोरंटो विंग की वमेन विंग सेक्रेटरी हूँ। नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह यहाँ की गर्मी हो या सर्दी हो, इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, आप देख रहे हैं कि कितने लोग आए हुए हैं। आज छुट्टी के दिन है, यहाँ पे लोग जॉब भी करते हैं और इनकी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, मगर उन्होंने अपना सब कुछ स्पेयर करके अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं। आई ऑनेस्टली बिग सल्यूट टू देम, और बिग सल्यूट अपने ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि अमीनुल्लाह खटक ने और ज़फ़र इकबाल साहब ने जो ये पील रीजन वालों ने अरेंज किया है, और हमेशा उनकी ये एक्टिविटीज़ रही है और लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इस तरह वो वापस इस प्रोग्राम को फ्रेश करते हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा का बारबेक्यू हो गया और वो क्या, इसके मुताबिक वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वापस लोगों के नाम ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, डोनेशन के लिए उनको कहते हैं, ताकि हम पाकिस्तान को इस हार्ड टाइम पर अपने इमरान खान को हम सपोर्ट करें फिजिकली, फाइनेंशली, हर लिहाज से हमारी प्रेजेंस उनके लिए हाजिर है। उनका विजन, उनकी आइडियोलॉजी के लिए यहाँ पर हम 24 घंटे 24/7 हम यहाँ पर काम करते हैं। बिल्कुल, जो आपका लीडर आपको
रहते हैं, नो डाउट कि आप लोग ज़ाहरी बात है उसको मनोमन मानते हैं। एक चीज़ नोट की गई है, यहाँ पे पीटीआई के तकरीबन कोई 10 से 12 15 ग्रुप बन गए हैं। इस ग्रुपबंदी की वजह क्या है, उस ग्रुपबंदी की वजह से नुकसान कितना है, क्योंकि ये आज एक ग्रुप का यहाँ पर बारबेक्यू है, बाकी ग्रुप वाले नहीं आए, तो ग्रुपबंदी से क्या नुकसान है पीटीआई के यहाँ पर ओवरसीज़ की यहाँ पर आपकी जो तंजीम है? मैं वाहिद यहाँ से पीटीआई की वाहिद खातून हूँ जो मैंने कहा था कि मैं पोजीशन नहीं लूँगी, मैं वर्कर होंगी, क्योंकि जब देर इज़ नो वर्कर देर इज़ नो लीडर, मेरा ये इस पर बहुत सख्त बिलीव है। और यहाँ पर अगर ये मेरा मैसेज जा रहा है इमरान खान के लिए, तो मैं इमरान खान को ये कहूँगी कि इमरान खान जैसे बाकी पीटीआई के लोगों ने तुम्हें बैक से स्टैप किया है, प्लीज़ बी अवेयर विद द डॉक्टर रियार एंड बी विद द पन्नू। हम लोगों ने रिज़ाइन दे दिया था ताकि ये इस किस्म की ब्लैक शीप इधर भी ना हो और फिर तुम्हें स्टैप नहीं करे, और जहाँ वहाँ तुमने फेस किया है उन लोगों को, यहाँ हम उनको फेस कर रहे हैं। तो मेरी बहुत काइंडली रिक्वेस्ट है आपको कि आप ये ओवरसीज़ के सेक्रेटरीज को प्लीज़ रिमूव कर दें और अच्छे और अपने सही वर्कर्स को आगे ले आए और उनमें से चुने। ये आपका पीटीआई इस सैफ पन्नू एंड डॉक्टर रियार इज़ द मेन पर्सन जिन्होंने इस ग्रुपबंदी को सारे पीटीआई को डिवाइड किया है। इससे पहले मैं जो इलेक्शन कर रही थी मैंने रिकॉर्ड ब्रेक 1200 वोट बनाए हैं और इसके अलावा किसी ने भी ये काम नहीं किया है। उस वक्त सिर्फ एक इमरान खान था, जब इन्होंने पोजीशन ले ली इन्होंने लोगों को बांट लिया। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मैं अलल ऐलान ये बात करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस इवेंट के बारे में हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहली बात तो यह है ये ग्रोहबंदी नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं नंबर वन, उसके बाद हम इमरान के दीवाने, हर एक का प्यार का इजहार का तरीका अलग है। हमने सोचा कि लोगों को इकट्ठे कर लें, ये अमीन खटक साहब का आइडिया था कि अभी ख़त्म हुआ है ये पेंडेमिक और लोगों को ज़रा बाहर निकाले, या ईद मेला भी हो जाएगा। और इंसाफ हमने इसलिए रखा कि खान साहब की पार्टी का तरीके इंसाफ, तो ये खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए और उनके साथ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। और ये जो आपको नज़र आ रहा है वो ये रहा शेल्टर है, धूप निकली हुई है, आप एक फ्रेम में सारे लोगों को नहीं दिखा सकते। लोग बैठे हुए हैं, मैं इनके अजमत को सलाम करता हूँ, जूब में बैठे हुए दूसरे जो शेल्टर में हैं बारबेक्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, वॉलंटियर पार्क बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे कि सारे एक जगह इकट्ठे नहीं हैं। हमें कोई तकसीम नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, पीटीआई के हैं और खान के पीछे खड़े हैं, अल्लाह के फजल। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट के वाकई बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बेतहाशा लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई शाहीन ग्रुप है, कोई इंसाफ ग्रुप है, कोई जानबाज ग्रुप है, कोई और ग्रुप है, ये बात है बदकिस्मती से है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर तंजीम को नुकसान है। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि पीटीआई इज़ दी ओनली पार्टी कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है। इलेक्शन ये है ना, ये एक चैलेंज है अपने आप को, इलेक्शन मुल्क का हो किसी अदारे का हो डिवाइड हो डिवीजन होती है, लेकिन अगर आप जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद है, तो इलेक्शन के अगले दिन आप सब इकट्ठे हैं। अगर किसी भी लड़ें शाहीन ग्रुप से जनरल से, हम कप्तान हम बना रहे हैं ग्रुप कप्तान सिर्फ इमरान खान के लिए, लेकिन इलेक्शन हुआ जीत गए हम सब बराबर, हार गए हम सब बराबर, आपको जमहूरी रवैये अपनाने हैं, यही खान साहब का पैगाम है। लड़ें इलेक्शन, मेंबरशिप बनाएं, मेंबरशिप आपको पता होगा आपके इंटरनल मामला से लगता है, मालूमात है, लोग मेंबर बनाते हैं। हमने आज अनाउंस किया है कि लोग मेंबरशिप खुद लें, उसके बाद अपने लीडर खुद चुनें। पाकिस्तान में भी लोटों को भगाया गया, यहाँ भी जो आपको लोटा नज़र आए आप अपनी मेंबरशिप खुद लें, अपने नुमाइंदे खुद चुने और ये सारे ग्रुप ख़त्म हो जाएं। मुझे अब ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे लोगों के मैं जज्बात देख रहा हूँ, आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है जी कि खान साहब का हुक्म है कि पाकिस्तान के लिए मुझसे ज़्यादा फौज ज़रूरी है। हम खान साहब के लफ्ज़ों का एहतराम करते हैं, वरना अंदर की बातें आपको भी पता है, आवाम को भी पता है, मुझे भी पता है, अगर इस्टेब्लिशमेंट खान साहब का साथ देती तो ये दिन आता ही नहीं। लेकिन खान साहब ने कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है ना, इस्टेब्लिशमेंट बात आप जो मर्जी कह लें, मैंने अपने दिल की बात कह रही हूँ, अगर खान साहब के पीछे वो होते तो ये दिन ना आते, ठीक है, लेकिन खान का हुक्म है कि हमने फिर भी एहतराम करना है, हम एहतराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।